हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें चौथा चैप्टर स्टार्ट है, सामग्री का निर्गमन नियंत्रण एवं मूल्यांकन। हो सकता है आपके पास जो बुक हो उसमें एक दो शब्द यहां पर बदला हुआ हो, लेकिन फोर्थ जो चैप्टर जो मटेरियल का है यानी सामग्री का है उसके लिए हम ये तीसरी वीडियो आपके लिए समझा रहे हैं। पहली वीडियो में उसका अर्थ था और दूसरे में विशेषताएं और प्रकार थे, तीसरे में सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य व लाभ हैं। क्या होता है सामग्री का नियंत्रण, ये समझ लिया तो समझ लो कि इस चौथे चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट आपने सीख लिया। देखो, मैंने जो अर्थ समझाया था आपको सामग्री का वो इस तरह से था कि जब हम किसी भी वस्तु में उपयोगिता लाते हैं या उस उपयोगिता के आधार पे कोई भी वस्तु को हम तैयार करते हैं तो उसमें जो मुख्य सामग्री लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। और मटेरियल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मैं शर्ट पहना हूं इसमें जितना भी कपड़ा लगा हुआ है वो सब आपके लिए मटेरियल दिख रहा है। अब जितना दर्जी ने काट करके नीचे गिरा दिया वो अप्रत्यक्ष था। जिन मशीनों से सिलाई की जा रही थी उसकी साफ सफाई के लिए तेल लाया गया होगा या जो कपड़े इत्यादि जो साफ करने के लिए मशीन को लगाए गए होंगे वो सब भी तो मटेरियल है यार, लेकिन वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है। और जो हमें तैयार होकर के मिल गया वो कैसा है, प्रत्यक्ष है। अब बात होती है कि हम ये तो समझ गए कि मटेरियल क्या है, कितने प्रकार का है, लेकिन इस पर नियंत्रण का क्या मतलब होता है। नियंत्रण का मतलब ये होता है कि जैसे यही शर्ट अगर इसमें जितना कपड़ा लगा है उस कपड़े का ही सिर्फ इस्तेमाल करने के बाद इस कपड़े को इस तरह से काटा जाता था, कम से कम व्यय होता। उससे क्या हुआ कि मान लीजिए हमने 2 मीटर कपड़ा दिया या 2.5 मीटर कपड़ा दिया, उसमें अगर कोई छोटा सा पार्ट बच जाता, सुरक्षित बच जाता कपड़े का विवेक का प्रयोग करके, तो उससे क्या है, छोटे बच्चों के जो कपड़े तैयार होते हैं उनमें अगर इस्तेमाल कर लिया जाता तो इस कपड़े की जो वैल्यू है वो बही रहती और एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता। इससे क्या होता कि लागत हमारी कम आती, ओके, क्योंकि इसी का एक भाग कहीं और प्रोडक्शन में लगा दिया तो उससे क्या होता, वहां से भी 4 पैसे की अर्निंग होती। हम अपने कस्टमर्स को यही शर्ट 2 रुपए सस्ती 4 रुपए सस्ती दे देते, वो भी खुश, हमारा भी कोई खर्चा नहीं आया। तो इसी कारण से मटेरियल पर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जो मैं आपको इशारे में समझाना चाह रहा हूं। पूरी किताब में अगर आप देखोगे, अगर बुक से पढ़ोगे थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर मेरे चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप PDF या क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफिस का नंबर 9719881101 ऑफिस का नंबर है जिसपे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो यहां से मैं आपको बताऊं कि पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको ओरल समझ में ना आए, और पूरा एग्जाम में जो पेपर आएगा 100% आपका सबका सब पढ़ा हुआ होगा। तो आइए समझाते हैं आपको सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य क्या हैं और लाभ क्या हैं। भाई या तो उद्देश्य आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, या इसके क्या आएंगे, लाभ आएंगे, यानी इसके कौन कौन से हमारे जो हैं गेन्स हैं, ठीक है, सामग्री को कंट्रोल करने में। देखो, पहला जो लाभ है या पहला उद्देश्य होता है लागत पर नियंत्रण हेतु। हर निर्माता चाहता है कि उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी लागत कम आए। क्यों आए कम, क्योंकि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, उससे क्या होगा, अगर इस शर्ट की लागत कम आएगी, मार्केट में दूसरे जो निर्माता बैठे हुए हैं वो भी इसी तरह की शर्ट बना रहे होंगे, वो उनकी लागत ज़्यादा आएगी, हमारी कम आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम सस्ते में 1-2 रुपए बेचने का कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमारा जो लाभ है वो घटेगा नहीं, बल्कि उपभोक्ता जो हैं वो हमसे खुश हो जाएंगे क्योंकि हम उनको सस्ते दर पर कोई चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं, ओके। तो पहला है लागत पर नियंत्रण हेतु, यानी वस्तु की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस पर क्या, कॉस्ट कंट्रोलिंग में। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में। जैसे मैंने एग्जांपल किया कि अगर कोई भी कपड़े का पार्ट अगर हमारा सेब बच जाता तो क्या होता, दूसरा जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें भी तो गुणवत्ता होती, कहीं पर ऐसा नहीं है कि उसको जोड़ना पड़ता या उसमें कोई और डिजाइन मतलब उल्टी सीधी डालनी पड़ती, तो वहां पर भी जो उत्पादन होता कैसा होता, गुणवत्तापूर्ण होता, बिल्कुल लगता ही नहीं कहां से क्या उठाया है, क्या किया है। अगला है सामग्री का कम क्षय, यानी कम क्षय का मतलब है, क्षय माने होता है नुकसान होना,
यानी क्षति होना। देखो जब सामग्री का हम नियंत्रण जो करते हैं उसका सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि जो मटेरियल किसी प्रोडक्ट को बनाने में हम यूज कर रहे हैं उसका नुकसान कम से कम हो, और नुकसान कम से कम होने पर क्या होता है कि हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं, यानी बहस कर सकते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं, सस्ते दर पर माल उपलब्ध करा सकते हैं। किसी का ऑर्डर लेना है तो अन्य व्यक्तियों से हम कम दाम पर ऑर्डर ले सकते हैं। अगला है सामग्री की चोरी को रोकना। भैया ये भी है जो क्या हम पढ़ रहे हैं, सामग्री के नियंत्रण के उद्देश्य व लाभ। तो भैया नियंत्रण करेंगे तो इसमें चोरी को भी रोकना शामिल है। अब ये चोरी क्या कहाँ होती है, देखो चोरी का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आया डाका डाल के ले गया। यहाँ पर ये है कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है कि जो मटेरियल है उसमें से कुछ मटेरियल के लिए क्या करते हैं कि वो अपने यूज में ले लेते हैं कहीं ना कहीं पर, यानी वो रद्दी में दिखा करके या कूड़ा कचड़ा में दिखा करके, और वो उसका स्वयं भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अपने घर भी लिए चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सामग्री का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर हम कॉस्ट पर कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए भी सामग्री पर नियंत्रण करना पहला हमारा कर्तव्य बनता है। तो सामग्री की जो चोरी है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो हमारे संस्था का हो या बाहर का हो, उसके लिए भी जरूरत है। मान लीजिएगा कि हम ये पेन बनाने के लिए पता है कि एक में 20 ग्राम प्लास्टिक लगेगी, अब हमने किसी के लिए 2 किलोग्राम अगर हमने प्लास्टिक दे दी तो उसमें एक निर्धारित मात्रा में पेन तैयार होने थे, अब पता चला कि वो हमारे 20-30 पेन कम तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब हम कारणों का पता करेंगे कि ये कम क्यों तैयार हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल का चोरी हो गया हो। भाई एक दो कम आगे पीछे हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान लीजिएगा कि बड़ी मात्रा में अंतर आता है, इसका मतलब है कि मटेरियल कहीं ना कहीं या तो क्षय किया गया या कहीं ना कहीं चोरी कर ली गई, ठीक है, नुकसान हुआ होगा या चोरी की होगी। अगला है उचित मात्रा में सामग्री का क्रय। देखो नियंत्रण के लिए यह भी जरूरी है कि हम सामग्री को कितनी मात्रा में क्रय करें। कितनी मात्रा में क्रय करने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होगा कि मान लीजिएगा कि सामग्री एक माह में 20,000 रुपये की खर्च हो जाती है शॉप में, तो हम अगर 50,000 रुपये की सामग्री खरीद करके रखते हैं तो यहाँ पर 30,000 की सामग्री सिर्फ और सिर्फ गोदाम में रखी हुई है। अब ये 30,000 रुपये किसी और जगह पे लगा दिए जाएं सामग्री ना परचेज करके, तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ क्या हो सकती है, अर्निंग हो सकती है। तो इसलिए कितनी मात्रा में सामग्री का क्रय किया जाए जिससे सामग्री हमारी रखी रखी खराब ना हो। हो सकता है आने वाले समय में दाम कम हो जाए, हो सकता है कि सामग्री थोड़े समय बाद एक्सपायर हो जाए, तो कितनी मात्रा में क्रय करनी चाहिए ये भी सामग्री के नियंत्रण में शामिल है। अगला है सामग्री का लेखांकन के लिए। भाई सामग्री का लेखांकन का मतलब है कि जब भी हमारे गोडाउन में जितना भी मटेरियल होता है उसको बड़े सिस्टम से आपको बताए रखा जाता है। इस रखे हुए सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिएगा एक ये दरवाजा है और एक ये दरवाजा है, यहां से मटेरियल को निकाला जाता है। ऐसी कंडीशन में पूरे स्टॉक में घूम घूम के नहीं देखा जाता है कि भाई कितना मटेरियल अभी यहाँ पर जमा है, बल्कि रजिस्टरों से ही देखने से पता चल जाता है कि सामग्री अभी हमारे गोडाउन में कितनी है। तो सामग्री का लेखांकन करना भी एक प्रकार से क्या है, कंट्रोलिंग है। इससे सारे कर्मचारी डरते रहते हैं कि भैया सामग्री इधर की उधर मत कर देना, क्योंकि सारा का सारा लेखांकन चल रहा है, यानी जितना हम निकालते जा रहे हैं उतना उसमें लिखते जा रहे हैं, जितना खरीद के आ रही है खरीद के ला रहे हैं वो भी उसमें सब रख रहे हैं, तब भी सब एंट्री करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि एकदम स्टॉक 100% करेक्ट मात्रा में हमें पता चलता रहता है। अगला है सामग्री की जांच व अंकेक्षण। जांच का मतलब वही है कि बीच बीच में चेक करना कि आपको जितनी सामग्री दी गई उतना प्रोडक्शन तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अंकेक्षण का मतलब यही जांच पड़ताल करना होता है, गहन जांच पड़ताल कि सामग्री का कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि बर्बाद कर रहे हो या उसका रख रखाव ठीक नहीं कर रहे हो, या सामग्री पे किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हो रही, और जो लेखांकन है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है जानबूझकर कपट किया जा रहा हो। कपट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखा देना, ठीक है। तो इस तरह से जो सामग्री का नियंत्रण का उद्देश्य होता है उसमें जांच व अंकेक्षण दोनों शामिल हैं। अगला है न्यूनतम क्रय मूल्य। ये न्यूनतम क्रय मूल्य क्या मतलब क्या होता है, कोशिश ये की जाती है कि जब भी कोई निर्माता अपने लिए सामग्री क्रय करता है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में क्रय करने का प्रयास करता है। भाई जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ बड़ी मात्रा में सामग्री चाहिए होती, तो वो ये देखते हैं कि किसके पास से कम मात्रा में, यानी कम
लागत में, कम क्रय मूल्य में उनके लिए सामग्री मिल रही है। सामग्री की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसी क्वालिटी की सामग्री जिसके पास कम से कम कीमत में मिलेगी वहीं से परचेज किया जाएगा। इससे क्या होगा, सामग्री पर नियंत्रण होगा और उसका जो क्रय मूल्य है वो भी कैसा रहेगा, न्यूनतम रहेगा। क्यों, हम पढ़ ही रहे सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य, तो एक उद्देश्य ये भी होता भाई सस्ते से सस्ता मिले, यानी अच्छा माल मिले और कम कीमत पर मिले। पुनः आदेश स्तर, ये क्या होता है, पुनः आदेश स्तर का मतलब ये होता है, ये हमारा जो है वो एक प्रकार से हमारा गोडाउन है, इसमें सामग्री रखी हुई है। अब पता चलता है कि मान लीजिएगा इधर से हम सामग्री निकालते चले जाते हैं, ठीक है, इस रो को और यहाँ पर अभी इतनी सामग्री रह गई, तुरंत हम इतने पे आदेश दे देंगे, ठीक है, कि भैया दोबारा आप खरीद के लाओ। ऐसे समझ में नहीं आए तो दूसरा तरीका है कि मान लीजिएगा हम चीनी का व्यापार करते हैं, 100 बोरी चीनी हमारे गोडाउन में है और जैसे ही हमारे पास में 15 बोरी चीनी रह जाती है तुरंत हम दोबारा मंगा लेते हैं, और वो इसलिए मंगा लेते हैं कि पता चले कि 15 बोरी भले ही चाहे हम 10 दिन में बेच पाएं, लेकिन कम से कम अगला माल जब तक आए तब तक हमारा कोई ग्राहक वापस ना लौटे, यही हमारा कहलाता पुनः आदेश स्तर। यानी वह आदेश स्तर, स्तर का मतलब होता है लेवल, यानी वह लेवल, वह मात्रा जितने पे हम सामग्री के लिए दोबारा मंगाने का प्रयास करते हैं, आर्डर दे देते हैं, ओके, इसी को हम कहते हैं पुनः आदेश स्तर। इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, पुनः आदेश स्तर का मतलब ही कुछ और नहीं है, पुनः आदेश स्तर का मतलब ही कि जिन चीजों में हम बिजनेस कर रहे हैं उन बिजनेस करने वाली चीजों में जिस को भी हम बेच रहे हैं या जिससे हम निर्माण कर रहे हैं दोबारा में हम कब वस्तु को खरीदेंगे, यानी कितना हमारा स्टॉक में रह जाए जिससे हम अपनी वस्तु को फिर से परचेज कर लें, हमारे यहाँ रुकावट ना हो, कोई ग्राहक वापस ना हो, अगर बड़ी मात्रा में भी अगर कोई व्यक्ति परचेज करने आ जाए तो वो खाली हाथ ना लौटे, इसी को हम कहते हैं पुनः आदेश स्तर, ठीक है। अगला है प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु, ये भी एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मार्केट में क्या होता है कि जितने भी निर्माता हैं वो लगभग एक जैसी वस्तुएं, एक क्वालिटी की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे आपने टेलीविजन देखा होगा, सैमसंग है, एलजी है, सोनी है, ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां आ गई जो टेलीविजन का निर्माण करती हैं। अगर आपको 80 सेंटीमीटर टेलीविजन परचेज करना हो तो एक जैसी लगभग में 19-20 कीमत होगी, उनमें 100-200-400 रुपए का डिफरेंस होता है, बाकी सब में बराबर बराबर होता है। अब वो बराबर बराबर क्यों होता है, क्योंकि उनमें प्रतिस्पर्धा है, उनमें बहस है छिड़ी हुई कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को इतने रुपए में बेच देंगे और देखिए हम इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, इतने रुपए में दे रहे हैं, तो दूसरा वाला क्या करता है, वो भी अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास करता है और कीमत भी कम रखने का प्रयास करता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब है आपस में बहस, जैसे दो दुकान वाले आमने सामने हैं तो वो क्या करते हैं, ग्राहकों को लुभाने के लिए एक मतलब रेट भी कंट्रोल में रखते हैं और वस्तुएं भी अच्छी देने का प्रयास करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा। अगला है उपभोक्ताओं के लाभ हेतु, जब तुम्हारा सामग्री पर नियंत्रण हो जाएगा तो लागत घट जाएगी और लागत घट जाएगी तो फिर तुम्हारा विक्रय मूल्य घट जाएगा और जब तुम्हारा विक्रय मूल्य घटेगा तो क्रेताओं को या उपभोक्ताओं को वो वस्तुएं कम दामों में मिलेंगी। तुम्हें अपना लाभ नहीं घटाना है, बल्कि लागत अगर घट गई तो समझ लो कि वस्तु को सस्ते में बेचा जा सकता है और उतना ही लाभ कमाया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में लाभ किसे होता है, उपभोक्ताओं को होता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, जैसे ये पेन बनाया तो किसी फैक्ट्री ने, वो क्या है, निर्माता है, और हम आपको पढ़ाने के लिए इस पेन का यूज कर रहे हैं तो हम कौन हो गए, कंज्यूमर हो गए, उपभोक्ता हो गए। अब फैक्ट्री का 20 रुपए अगर इसकी लागत आती तो हमें 25 रुपए में मिलता, अगर फैक्ट्री की लागत मान लीजिएगा 15 रुपए आ जाए या 16 रुपए आ जाए तो वो हमें 20 रुपए में हमें भी तो दे सकती है, तो इस तरह से उपभोक्ताओं को क्या होता है, लाभ हेतु। अगला है व्यवसाय की ख्याति हेतु, ख्याति किसे कहते हैं, देखो ख्याति का अर्थ बीकॉम थर्ड ईयर में तो खूब ही लिखोगे आप, ख्याति किसे कहते हैं, वैसे मैं बता दूं ख्याति होती है प्रसिद्धि। आप बाजार में जाओ जितने रुपए का आपको माल उधार मिल जाए वही आपकी क्या है, ख्याति है, प्रसिद्धि है, समझ गए होगे उम्मीद है, और ना समझे हो तो अब समझाते हैं। आपके पास में दो दोस्त आते हैं, एक कहता है कि जरा 500 रुपए देना, तुम कहते हो अरे एक भी पैसा नहीं है भाई, मात्र 100 रुपए पड़े हुए हैं, अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, 500 नहीं है मेरे पास। और एक दूसरा दोस्त आता है जो कहता है भाई 2000 की मुझे ज़रूरत है, लेकिन आपको पता है वो कमा रहा है, कभी ना कभी आपके काम में आएगा और वो पैसे वापस भी जल्दी कर देगा, तो आप पूछोगे अरे भाई तुझे क्या संकट आ गया,
तू जितने पैसे मांग रहा उससे नहीं और ज़्यादा ले, जरूरत हो तो वो भी ले जा, यही चीज़ ख्याति होती है। यानी सामने वाला हमारी वैल्यू कितनी आंकता है वो हमारी क्या होती है, ख्याति। अब व्यवसाय की ख्याति का मतलब यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई वस्तु परचेज करनी होती है तो आप कंपनी का नाम लेके कहते हो, भैया उस कंपनी की कोई वस्तु है। जैसे अगर आप घड़ियाँ लेने जाते हो तो आप कहते हो कि टाइटन की कोई घड़ी है तुम्हारे पास या कोई HMT की घड़ी है तुम्हारे पास। तो इस तरह से क्या है कि ये वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट में क्या है, गुडविल है, लोग इनको जानते हैं, इनकी वस्तुएं जो हमारे पूर्वज लोगों ने यूज की थी उन्होंने हमें बताया कि इस कंपनी की ये वस्तु अच्छी है, तो क्यों बताया, क्योंकि सर्विस अच्छी दी, सस्ते में दी, माल बढ़िया निकला, गुणवत्तापूर्ण निकला, ग्राहक संतुष्ट हुए, समाज में नाम हुआ, बहुत लोग जुड़े, एक दूसरे ने एक दूसरे का नाम लेना शुरू किया। तो इस तरह से व्यवसाय की ख्याति के लिए, तो ये उद्देश्य और लाभ थे किसके, सामग्री के नियंत्रण के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक बार मैं रिपीट कर दूं जिससे आपको रिवीजन हो जाए। लागत पर नियंत्रण का मतलब है यहां पर जो भी वस्तु बना रहे हैं उसको कंट्रोल करने में, यानी उसकी लागत कंट्रोल करने में। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का मतलब है कि उत्पादन वही क्वालिटी का हो लेकिन उसकी लागत भी कम आए। अगला है सामग्री का कमछा, यानी नुकसान कम हो, ठीक है, कोई वस्तु बन रही तो मान लीजिएगा इधर उधर कुछ सामग्री गिर रही है तो वो गिरे ना। अगला है सामग्री की चोरी को रोकने के लिए, किसी प्रकार की चोरी अगर होती है, ठीक है, चोर चुराता है या कर्मचारी चुराते हैं तो उसको भी कंट्रोल करना। उचित मात्रा में सामग्री, यानी एक ऐसी मात्रा में क्रय करना जो खर्च कम आए। सामग्री का लेखांकन, उसको सब रिटेन में रखना। सामग्री की जाँच व अंकेक्षण का मतलब है कि उस बीच बीच में उसे चेक करते रहना कहीं खराब तो नहीं हो गई, क्वालिटी कैसी है और उसका किस मात्रा में किस रेशियो में प्रयोग किया जा रहा है। न्यूनतम क्रय मूल्य का मतलब है कि कम से कम लागत में उस कम से कम मूल्य में क्रय करना। पुनः आदेश स्तर का मतलब कि दोबारा माल खरीदने के लिए आदेश देना। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है समस्त व्यापारियों में आपस में बहस, बाजार की बहस को कहते हैं। और उपभोक्ताओं के लाभ हेतु का मतलब आप समझते ही हो कि उपभोक्ताओं के लिए वस्तु भी अच्छी मिले, कम दाम में मिले। व्यवसाय की ख्याति का मतलब है व्यवसाय की प्रसिद्धि। ओके, तो ये कैसा वीडियो लोगों जरूर लिखिएगा और हमारे पूरे चैनल पर आपके लिए पूरे अकाउंटिंग और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत इजीली आपके लिए मिलेंगे। न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।